एज अ गोलकीपर आपकी मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दस अच्छे सेव करने के बाद अगर एक खराब मिस्टेक कर लो तो ऐसा लगता है कि आपने टीम को हरा दिया। अगर आपने मिस्टेक कर ली तो उसके बाद और 70 मिनट खेलने हैं, तो आप ऐसा नहीं उस मिस्टेक को सोचते रहे और आगे के जो मिनट्स बचे हैं उसको भी ख़राब कर दो। अगर खेलोगे तो मिस्टेक तो होगी, तो मतलब उसको आप कैसे रिकवर करते हो वो मैन है। फुटबॉल मैंने हिमाचल में खेलना स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं रहता हूँ रोहडू में, वहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो वहाँ पे वॉलीबॉल और फुटबॉल्स का वो हॉस्टल है। तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था फुटबॉल के भी ट्रायल है, मैंने सोचा वॉलीबॉल के ट्रायल से मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। हाइट लंबी थी तो उसकी वजह से मैं हो गया, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ग्रिपिंग कराना स्टार्ट कर दिया और बॉल के पास जाके टप्पे निकालना। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे मैं गोलकीपर बनने वाला हूँ। सवेरे सवेरे 5 बजे या 6 बजे जब उठ के जाना हो तो आपको और लोग बॉल मार रहे हो और आपको डाइव करना हो इतने ठंड में, तो ऐसा लगता था कि गलती कर दी गोलकीपर बन के कि कहाँ आ गया मैं। जब मैं हॉस्टल में होता था तो वहाँ पे पांडा सर थे जिन्होंने मुझे प्रैक्टिस में उन्होंने बहुत हेल्पफुल किया, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे फुटबॉल कोच भी नहीं थे, तो वही करते थे जो ट्रेनिंग होती थी। हिमाचल की टीम से खेलने गए थे तो वहाँ पे दीपक सर थे जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, क्योंकि वो एज ए पहले गोलकीपर रह चुके हैं, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से शायद मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। दीपक सर है हमारे, उनका फ़ोन आया घर पे कि ऐसे ऐसे इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुई। तो ऐसा था कि उस टाइम 10th के एग्ज़ाम भी थे, मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे, तो जो उसी डेट में थे, तो ऐसा था कि या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे या वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो बहुत ही कंफ्यूजन था क्योंकि उससे पहले साल में एक बार फेल हो चुका था 10th में। वहाँ से मैं डिसाइड कर दिया कि हाँ मैं कैंप में जा रहा हूँ। मैं अंडर 16 में सिलेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ वहाँ पे एक लाइट एकेडमी बनी, तो कोच ने मुझे वहाँ पे बुलाया, तो मेरा अंडर 19 लाइट एकेडमी में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं अंडर 19 इंडिया टीम के लिए खेला, वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आई लीग में शिलोंग लाजोंग के साथ, फिर मैं 3 साल खेला वहाँ पे, तो वो मेरा पहला प्रोफेशनल क्लब था। तो उसके बाद पुणे आया आईएसएल के लिए, वहाँ पे मैं फिर 3 साल खेला वहाँ पे भी, ऐसे ऐसे करके वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आज यहाँ पे हूँ। पहला आई लीग मैच था, तो पहले ही आई लीग मैच में रेड कार्ड ले लिया था, तो मतलब पहली बार स्टार्ट किया और 50 मिनट के बाद मैं रेड कार्ड हो गया, तो कोच ने ट्रस्ट दिखाया, फिर जाके नेक्स्ट सीज़न और अच्छे से खेलना शुरू किया। तो घर वालों को पता नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है, ऐसा ट्विस्ट होगा कि लाइफ में, कि स्पोर्ट्स में इतने आगे जाएगा। उनको भी टेंशन होती है कि क्या होगा, कब तक खेलेगा, एक बार इंजरी हो जाए तो बहुत टफ होता है, तो वो भी चाहते थे कि थोड़ा खेल के जॉब कर ले और कुछ कर ले। मेरा लास्ट मैच था शिलोंग के लिए फेडरेशन कप में, तो उसमें भी मुझे रेड कार्ड हो गया। जो रेड कार्ड होता है तो उसके बाद वो फॉलो होता है, तो मतलब जो मैं अगला मैच खेल नहीं सकता हूँ, तो वो वहाँ पे कैरी हुआ, तो मैं आईएसएल का सीज़न था तो वहाँ पे मैं खेल नहीं पाया। उसके बाद मैं 2-3 मैच नहीं खेला, तो उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैं अच्छा खेलता गया। लास्ट सीज़न जब मैं चेन्नई आने से पहले तो मैं एक भी मैच नहीं खेला था, तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैच नहीं खेल रहा हूँ और चेन्नई मेरे पे ट्रस्ट दिखा रहे कि आप आओ। लास्ट सीज़न था तो मतलब वैसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि जब आप शुरू में मतलब 4-5 मैच 6 मैच क्या हो रहा है, आप गोल खाए जा रहे हो, लेकिन आपके साथ वो कुछ डिफरेंट ही हो जाए
जो शुरू में लास्ट सीज़न हुआ था, मतलब चेन्नई में वो नॉर्मल बात है, वो पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब आप पीछे से हारते हारते और आप फाइनल में पहुंच जाओ। तो जब हम लास्ट में पहुंचे थे मुंबई के साथ, तो कौन जीतेगा तो वो प्लेऑफ में पहुंचेगा, तो वो मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। ऐसा है कि मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, सिंपल सी बात है, उसमें आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता है। और आपको फोकस रहना पड़ेगा हमेशा, नहीं मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। कभी आप सोचते हो कि बुरा वक्त आ जाता है तो आप नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, वो कभी नहीं करना है, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना है। क्योंकि ऐसा है, आपकी लाइफ में एक ना एक दिन आपको भी, सबको मौका मिलता है, आपको उस मौके के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहें।